नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल आलोकजी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना से नॉलेजबल वीडियो डेली इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आप वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क की। तो यहाँ पे तो नेटवर्क वो होता है दोस्तों, अब नेटवर्क की डेफिनेशन कैसे आप समझ सकते हैं, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क इन द सेंस मतलब कि दोस्तों ऐसा एक कंप्यूटर जहाँ पे एक से अधिक कंप्यूटर दोस्तों कनेक्ट रहते हैं किसी एक माध्यम से दोस्तों। अब वो चाहे वायरलेस टेक्नोलॉजी हो या वायर यूज्ड टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो। तो मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे एक या एक से अधिक कंप्यूटर दोस्तों कनेक्टेड रहते हैं किसी एक ही माध्यम से दोस्तों एट स्पेसिफिक टाइम दोस्तों। अब वो चाहे वायर का यूज करके वो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो इतने सभी कंप्यूटर, या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हो, तो ऐसे वहाँ पे मीडियम को, ऐसे प्रोसेस को दोस्तों आप बोल सकते हैं नेटवर्क। तो ये होता है नेटवर्क दोस्तों। अब नेटवर्क दोस्तों सबसे इसका मेन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो नेटवर्क में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि राउटर है, मॉडम है, डोंगल है, आपका इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हैं वो भी दोस्तों एक नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क के माध्यम से ही दोस्तों आप वहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट दोस्तों वायरलेस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे मेन एग्जांपल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी एक नेटवर्क टाइप्स होता है दोस्तों। नेटवर्क दोस्तों काफ़ी टाइप्स हो सकते हैं, आपके मोबाइल में जो आप यूज कर रहे हैं दोस्तों नेटवर्क, आप बात कर रहे हैं तो भी आप नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। तो बात करने के लिए दोस्तों आप वहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर सेलुलर पॉइंट का आप वहाँ पे यूज करके कैरियर सिम कार्ड लगा के दोस्तों आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, एक टावर से आपको वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं अपने मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी आप वहाँ पे नाम ले सकते हैं एज ए नेटवर्क। तो यही होते हैं नेटवर्क दोस्तों। तो नेटवर्क के माध्यम से एक मोनोपाली जनरेट होती है जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन या फिर दोस्तों इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। तो इसी को दोस्तों नेटवर्किंग बोला जाता है, नेटवर्क आप बोल सकते हो। तो नेटवर्क कई टाइप के होते हैं दोस्तों, आप वहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हो सकता है, वहाँ पे आप वहाँ पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो भी एक नेटवर्क हो सकता है उसका दोस्तों। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे नेटवर्क बनते हैं दोस्तों, एक चेन होती है तो वहाँ पे उस नेटवर्क की बनती है। वैसे भी नेटवर्क दोस्तों काफ़ी टाइप्स के होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है दोस्तों, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अगर तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, जो लैन उसको बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और शॉर्ट में उसको लैन बोला जाता है। तो लैन दोस्तों वायर यूज्ड टेक्नोलॉजी होती है। वायर यूज्ड टेक्नोलॉजी में आप एक ही रूम में बैठ के काफ़ी सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करवा देते हैं, तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, नेटवर्क का ही एक टाइप है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि और जैसे कंप्यूटर में ही बात कर रहे हैं तो मैन हो गया, वैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया दोस्तों, कि जिसके माध्यम से आप वहाँ पे अपने घर में बैठ के आप एक रूम से दूसरे रूम, तीसरे रूम, या अपने घर के बगल वाले वहाँ पे जो घर है उसके जी कंप्यूटर को भी कनेक्ट करवाए हुए हैं, तो वो भी दोस्तों एक वायर यूज्ड टेक्नोलॉजी है और उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन बोला जाता है, वो भी एक नेटवर्क का टाइप होता है दोस्तों। अब नेटवर्क की बात कर रहे हैं दोस्तों तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क की भी बात कर लेते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो होता है वो दोस्तों किसी वहाँ पे आप स्टेट को वहाँ पे कनेक्ट करवा रहे हैं दूसरे स्टेट से, काफ़ी दूर दूर जो होते हैं दोस्तों कंप्यूटर उनको कनेक्ट करवा रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, तो वो दोस्तों वाइल्ड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 80 से 100 किलोमीटर के लगभग रेंज होती है वाइल्ड एरिया नेटवर्क की। और वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज होती है वो 0 से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज होती है। और दोस्तों जो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी रेंज बहुत ही कम होती है दोस्तों, तो वो विद इन ए रूम नेटवर्किंग एस्टेब्लिश होता है। तो नेटवर्क काफ़ी टाइप के होते हैं दोस्तों, आप समझ चुके हैं, और नेटवर्क को कैसे आप समझ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपको कोई मन में आपके डाउट है तो आप नीचे इस वीडियो को कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली जरूर दूंगा। हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगी बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा करेगी। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक से, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।